हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कंपटीशन कमेटी की ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए निर्णायक हो, आप अपने लक्ष्यों को पा सके और यह वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम प्रारंभ करते हैं कंपटीशन कमेटी का फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का, इसरो के द्वारा हाल ही में कोविड के बाद लॉन्च किया गया प्रथम मिशन है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, PSLV-C50, PSLV-C49, PSLV-C48 और GSAT-30। PSLV का फुल फॉर्म जानते होंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये भारत में एक महत्वपूर्ण लॉन्च व्हीकल है, खासकर इसरो के द्वारा निर्मित। तो ये जो है 90 के दशक में ये आया हुआ था PSLV। तो PSLV का अभी लेटेस्ट मिशन जैसे देखते हैं, तो ये सभी सीरीज जो क्या है इसके लेटेस्ट मिशन है। बट यहाँ पे पूछा गया है कोविड के बाद लॉन्च किया गया प्रथम मिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझिए कि कोविड के कारण न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर सभी गतिविधियां ठप थी। ऐसे में इसरो पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। इसके बाद जो है कोविड के बाद इन्होंने पहला लॉन्च भी किया, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो 48 मिशन था, ये क्या था, राडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, जो कब छोड़ा गया था आप देखेंगे दिसंबर 2019। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पूछेगा, बट आप याद रखिए दिसंबर 2019, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं PSLV-C49, तो यहां पे हमने क्या छोड़ा, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट फर्स्ट को, और ये छोड़ा गया था, आप एग्जैक्ट डेट नोट करना भी चाहे तो 7th of November 2020। तो ये जो गैप देख रहे हैं यही इसमें आपको पूछा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बाकी का भी देख लेते हैं, PSLV-C50 जो है इसे छोड़ा गया है 17 दिसंबर 2020 को, ठीक है, एंड GSAT-30 को छोड़ा गया था 17 जनवरी 2020 को। तो यहां इस प्रश्न के हिसाब से क्या उत्तर होगा, बी इसका राइट आंसर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपको बस ये याद रखना है EOS-01 को, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट फर्स्ट को, ठीक है, जिसमें कि देखते हैं कि आपका C-49 PSLV का 49th मिशन था। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार इसरो का प्रथम मानव मिशन गगनयान के बारे में गलत कथन है। यह वर्ष 2021 के अंत में छोड़ा जाएगा, इसमें सहयोगी राष्ट्र USA है, मानव रोबोट या ह्यूमनाइड इसे भी कहते हैं, व्योम मित्र को इसमें शामिल किया गया है, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर, देखिए गगनयान के बारे में स्टार्ट में जो हमारा जो प्रोजेक्शन था, या हम जो जब इसके लॉन्च करने के लिए हमने पूर्व निर्धारित ईयर रखा था 2022 रखा था, फिर 2021 में फिर वो आ गया एक साल पहले। अब बिकॉज ऑफ अ कोविड प्रॉब्लम ये क्या है, फिर से इसका जो मिशन है या अभियान है डिस्टर्ब रहा, और इसे अब वर्ष 2021 के अंत में या दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन को लेके हमेशा ही मैं इसे संवेदनशील क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि तारीखें बदली हैं। तो इसलिए आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार गूगल करके जरूर जाइएगा कि कुछ नया अपडेट तो नहीं है। बट अभी की स्थिति में आप क्या लिखेंगे, दिसंबर 2021 के अंत में आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। इसमें सहयोगी राष्ट्र क्या है, USA है, क्या ये सही है, नहीं, इसमें सहयोगी राष्ट्र क्या है, रशिया है, ठीक है। तो ये उत्तर तो गलत हो गया, ये पहला वाला करेक्ट है। मानव रोबोट व्योम मित्र, व्योम मतलब क्या है, आकाशीय या अंतरिक्ष होता है, तो व्योम मतलब अंतरिक्ष का मित्र, व्योम मित्र को इसमें शामिल किया गया है। ये क्या है, इसरो के द्वारा निर्मित क्या है, व्योम मित्र है, जो एक्चुअल में इनके क्रू मेंबर्स के साथ ही ये जाने वाला है। और इसमें क्या है, ऐसे जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे, वायुमंडलीय दबाव के क्या असर रहेगा हमारे ऑर्गन्स पर, तो ये सभी चीजें इसमें बताया जाएगा। और इसमें क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड वाले ऐसे ह्यूमनाइड है या मानव रोबोट है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो क्या है यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम
गलत कथन ये लिखा है इसमें, गलत कथन लिखा है तो गलत कथन क्या है, ये है गलत कथन, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं उपरोक्त सभी है, तो क्या उपरोक्त सभी है क्या नहीं है, हालांकि ये भी गलत कथन है, तो यहां पे इसके हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर है ये, ठीक है। तो यहां उपरोक्त सभी पे आप मत जाइए, ये वाला बी वाला इसका सही उत्तर है, ठीक है। बेसिकली ये करंट पे बेस पे बनाया गया क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित है, आपको ढूंढना है क्या क्या है। इसरो की व्यवसायिक इकाई NSIL, NSIL का फुल फॉर्म जानते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारत राष्ट्रीय सुदूर समिति केंद्र थूथुकुडी, भारतीय सुदूर समिति संस्थान हैदराबाद, इसरो का नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र देहरादून, क्या है इसका सही उत्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का एंगल भी है इसमें। देखो इसरो की व्यवसायिक इकाइयां 2 है, पहला क्या है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1992 में हुई थी कॉर्पोरेशन, ये है ठीक। दूसरा क्या है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। तो ये तो आपका पहला मैच्ड है उत्तर, तो आपको यही पता चल गया सुमेलित है। अब देखते हैं बाकी को भी चेक कर लेते हैं कि क्या मल्टीपल चीजें सुमेलित थोड़े हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, तो इसे ट्रांसलेट करिए, राष्ट्रीय के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, नेशनल, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC आ रहा है। और यहां पे भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये दोनों सिमिलर दिखते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्वेश्चन ये वाला, और आपको यहां पे CGPSC में इसके क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। सिमिलरली इसको ट्रांसलेट कीजिए, क्या क्या है, इंडियन के लिए, भारतीय के लिए इंडियन यूज किया जाता है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS। तो देखिए यहां पे एक बात याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो संस्था है, तो आप क्या कर रहे हैं, नेशनल NH को याद रखिएगा, नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल जहां N से प्रारंभ हो रहा हो, ये N से प्रारंभ हो रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, हैदराबाद, ठीक है। तो यहां पे हैदराबाद कर लीजिए, तो यहां पे क्या है, इसका सही मैच किससे होना चाहिए, हैदराबाद होना चाहिए, इज इट क्लियर। सिमिलरली देखते हैं क्या है, आप आई से प्रारंभ होने वाला इंडियन स्टार्ट रिमोट सेंसिंग, तो उसके लिए क्या है, ID आप याद रखें, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं आप रोड पे बाइक चला के जा रहे हैं नेशनल हाईवे पर, और अचानक ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ ली और आपको आईडी मांग रही है, ठीक है, आप कौन है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस काइंड ऑफ, तो NH ID से याद रखिएगा। तो आई से प्रारंभ होने के लिए क्या है, देहरादून होना चाहिए, तो ये है आपका इसका मैचिंग, इज इट क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। NRSC तो N वर्ड से देख के हैदराबाद आप टिक करिएगा, अगर कंफ्यूजन होता है तो, अदरवाइज आप इन जनरली ऐसे भी आप नॉलेजेबल पर्पस पे याद रख सकते हैं, ठीक है, बट मैंने यहां पे सिर्फ ट्रिक बताया है अकॉर्डिंगली, क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या है आपका, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र क्या है, उसका हैदराबाद है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान क्या है, वो होगा देहरादून, और इसरो का नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र क्या होगा, वो होगा थूथुकुडी, जिसे हम तूतीकोरिन भी कहते हैं, क्लियर हो गया। तो यहां पे 3 महत्वपूर्ण सुमेलित वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन भी बनता है। सो राइट आंसर इज ए। आई होप ये सभी पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें देखिए फिर से आपको यहां पे क्वेश्चन दिया है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, बहुत सिंपल है, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, या आप देखते हैं एप्पल, क्या क्या है यहां पे देखिए, आर्यभट्ट को क्या है, 19 अप्रैल 1975 को इसे हमने लॉन्च किया था, और यही क्या है, भारत का प्रथम उपग्रह है, क्लियर हो गया। तो आर्यभट्ट की डेट क्या है, 19 अप्रैल 1975। सिमिलरली अगर आप भास्कर, रोहिणी और एप्पल देखते हैं, तो याद रखिएगा जो 1970 का दशक जो है, 1970 का दशक क्या है, पूरा प्रायोगिक दशक था, तो इस कारण जो है इस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट छोड़े गए थे, चाहे वो आर्यभट्ट की बात करें, एप्पल की बात करें, रोहिणी की बात करें, या भास्कर की बात करें, ठीक है। तो एप्पल भी क्या है, एक प्रायोगिक उपग्रह था, जिसे वर्ष 1981 में छोड़ा गया था, ठीक है। सिमिलरली 1980 के दशक में इसे छोड़ा गया था, ठीक है, और भास्कर को यदि आप देखिए तो 1979 में इसे छोड़ा गया था। तो यहां पे देखिए ये सभी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं, तो भारत का प्रथम उपग्रह क्या है, आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। सो राइट आंसर इज सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है और कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की हाइट पर होती है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी का। तो यहां पे देखिए इसे बहुत सरल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है यहां पे, दूर संचार प्रसारण यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात की जा रही है। और एक लाइन याद रखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमेशा क्या है, भू तुल्यकालिक कक्षा पर होती है जिसकी हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होती है। और ये क्या होती है, विषुवतीय, विषुवतीय कह सकते हैं, तो भूमध्य रेखा के समतल होती है। तो ये भी पॉइंट सही हो गया इसका, ठीक है, विषुवत या भूमध्य रेखा एक ही है। और कक्षा जो है वृत्ताकार होती है, तो ये तीन पॉइंट याद रखिएगा। और ज्यादा हाइट का मतलब यहां पे समझ पा रहे हैं भाई, आपको संचार उपग्रह है, तो मान लो कोई ऐसा संचार उपग्रह, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे इसके दो बिंदु हैं, तो इसकी हाइट मान लो यहाँ पे देखते हैं, मान लो कितना है, 1000 किलोमीटर है, लेकिन जैसे इसको 36,000 कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो कवरिंग पॉइंट है ये दूर दूर हो गया, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ज्यादा दूरी वाला कम्युनिकेशन हो जाएगा, हम ज्यादा दूर तक हम संचार कर पाएंगे। तो इसलिए जो संचार उपग्रह क्या है, इसको हम ज्यादा हाइट पर यानी कि भू तुल्यकालिक कक्षा पर हम इसे वहां पे ऑर्बिट में सेट करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, जिसके बाद क्या है, हम कम्युनिकेशन ज्यादा दूर से दूर पहुंचा सके। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए 1, 2, अब यहां पे ये हाइट हो गई तो ये वाली हाइट तो गलत ही हो जाती है, तो क्या है 1, 2 और 3, 1, 3, 4, 2, 4 और 1, 3, 4 ये है, तो लास्ट वाला तो गलत ही हो गया। 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन क्या है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑल्दो यहां पे मैंने बोल्ड किया हुआ है ताकि आसानी से इसके पॉइंट्स को आप समझ पाए, जो तीनों पॉइंट क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे पर। क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भू स्थिर उपग्रह कहां घूमता है, किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर या ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो डी तो ऑलरेडी गलत है, ध्रुव के ऊपर नहीं घूमता भाई, ये तो विषुवत रेखा के ऊपर घूमता है। स्थिर ऊंचाई पर यस होता है, किसी भी ऊंचाई पर नहीं होता। तो यहां पे देखिएगा, एक होता है जैसे ये क्या होता है, जी भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो इसमें घूमता है, तो यहां पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कह दूंगा, 35,786 किलोमीटर एक्चुअल में इसकी हाइट होती है, ठीक है, जिसे हम राउंड फिगर में क्या लेते हैं, 36,000 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया 36,000 और इसमें भी बताया, तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे दो चीजें आती हैं, एक क्या होता है भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह होगा और भू तुल्यकालिक, तुल्यकालिक उपग्रह आता है। तो यहां पे दो चीजें याद रखिएगा, ये दोनों शब्दावली को, तो इसमें क्या है, अगर भू स्थिर दिया है तो 35,786 आप हाइट ले सकते हैं और भू तुल्यकालिक होगा तो 36,000 ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें माइनर सा डिफरेंस भी होता है, बट याद रखिएगा जो भू स्थिर उपग्रह अंग्रेजी के 8 के आकार का जो है, ये उपग्रह वहां पे इस स्थिति में रहते हैं। क्लियर हो गया, तो स्थिर ऊंचाई पर होगा, कितना, 35,786 किलोमीटर की निश्चित हाइट पर। क्लियर हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन या के कस्तूरी रंगन भी कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जी माधवन नायर और के शिवन। बहुत सरल प्रश्न है, के शिवन इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे इस लिस्ट में देखते हैं ये भी क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट ही है, जिसमें कस्तूरी रंगन और जी माधवन नायर दोनों क्या है, इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। क्लियर हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अगला क्या है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1 कब छोड़ा गया था, कहां से छोड़ा गया था पूछा यहाँ पे, बैकानूर, केप कैनेडी, फ्रेंच गुयाना और श्रीहरिकोटा से। तो IRS-1 जो सैटेलाइट है, इसे वर्ष 1988 में बैकानूर से छोड़ा गया था, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो यहां पे भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये रियल का सैटेलाइट था, प्रायोगिक उपग्रह नहीं था, जिसे वर्ष 1988 में छोड़ा गया था। क्लियर हुआ,
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पीएसएलवी C-37 के द्वारा हाल ही में एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए थे, ये प्रश्न भी आया है। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल जर्नी थी इसरो की, पूरी दुनिया ही शॉक रह गई थी कि एक साथ ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो 104 सैटेलाइट को हमने पीएसएलवी C-37 से हमने इसे क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, विगत वर्षों में आया हुआ प्रश्न भी है, और ये क्योंकि हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, इसलिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मंगलयान हुआ, चंद्रयान हुआ, है ना, वैसे ही ये 104 सैटेलाइट को छोड़ना अपने आप में ऐतिहासिक है। इन डेट्स को रिलेटेड सैटेलाइट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पीएसएलवी 37 यानी पीएसएलवी का 37वां मिशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित कहां किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोरू, वैकानू, श्रीहरिकोटा, कैप कैनेवरल, ठीक है, हमेशा से कंफ्यूजिंग होता है। तो सैटेलाइट वाले में जैसे जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थे, वैसे ही क्या है, एप्पल भी क्या है, संचार वाला क्या था, प्रायोगिक उपग्रह था, जिसे वर्ष 1981 में कहां से छोड़ा गया था, कोरू फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और देहरादून। तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन वाला जो होता, मैंने ट्रिक बताया था, भारतीय के लिए क्या यूज किया जाता है, इंडियन। तो आई से स्टार्ट हो रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, है ना, IIRS। तो आई से स्टार्ट होने वाला अब क्या रखेंगे, ID, और नेशनल यानी राष्ट्रीय से स्टार्ट होने वाला होता तो NH लिखते, प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन मैंने किया था। तो आई से स्टार्ट हो रहा है तो इंस्टेंटली आपको डी दिखना चाहिए, ID, है ना। तो डी इसका राइट आंसर है, क्लियर हो गया। तो बाकी चीजें जो है कंफ्यूजन से आपके ऐसे ही अलग हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या कर्नाटक। बोल्ड किया हुआ है कर्नाटक में है ये इसका, ठीक है, हासन में है इसका सेंटर, ठीक है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, कर्नाटक में है, जो हासन नाम के स्थान पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, ये क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे पहला लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है, पहला इसरो तिरुवनंतपुरम, IUCA पुणे, है ना, IEUAC क्या है, बेंगलुरु, VSSC न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसरो के बारे में हमको पता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु है। तो ए का जो है आप 3 मैच कर लो। सिमिलरली देखो यहाँ पे IUCA और IUAC दिया है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका फुल फॉर्म, IUCA का फुल फॉर्म इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर, ठीक है, ये किसका, IUAC का फुल फॉर्म इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर, और यहाँ पे IUCA का मतलब क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो बी का मैं रिपीट करूंगा, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसका हेडक्वार्टर पुणे में ही है, ठीक है। तो ये क्या है, सही सुमेलित है बी। इसके बाद देखते हैं IUAC, है ना, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो देखो बी का क्या है, 2 होना चाहिए, जैसे यहां बी का 2 है और स्टार्टिंग में ए का 3 था, तो इसमें भी ए का 3 था, ये दोनों तो गलत ही हो गए। तो क्या है यहां पे, इसका उत्तर क्या है, आप देख रहे हैं इसका उत्तर ए होना चाहिए, मैच भी कर लीजिए आगे, है ना। IUAC का न्यू दिल्ली है, बिल्कुल है, 4, ठीक है। और देखते हैं VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो कहां पे है, तिरुवनंतपुरम पे है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई के नाम से समर्पित ये संस्थान है तिरुवनंतपुरम में। तो उत्तर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, है ना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो यहाँ पे इसका अहमदाबाद सही मैच्ड है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान, तो क्या आ रहा है, राष्ट्रीय आ रहा है, राष्ट्रीय के लिए क्या है, नेशनल यूज करते हैं, तो इसका हैदराबाद ही होना चाहिए, बिल्कुल सही मैच है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह केंद्र यानी इसरो सैटेलाइट सेंटर भी कहते हैं, ये कहां पे है, ISAC सेंटर भी कहते हैं इसे। तो ये कहां पे है, ये बेंगलुरु में है, ये क्या है, बेंगलुरु में है, इसका ये करेक्ट मैचिंग नहीं है। और विक्रम साराभाई जो है स्पेस सेंटर जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इस सैटेलाइट सेंटर क्या है, तिरुवनंतपुरम है। तो विक्रम साराभाई VSSC की बात अभी हमने किया,
विक्रम साराभाई सैटेलाइट सेंटर जो देखते हैं वो कहां पे है, तिरुवनंतपुरम में है। तो इसके हिसाब से सुमेलित नहीं है पूछा है, तो उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखिए सुमेलित करना है, सुमेलित करना है इसरो के केंद्र और स्थान। इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इधर क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अब भी हमने देखा VSSC जो कहां पे है, त्रिवेंद्रम में है, है क्या, बिल्कुल सही है। यूआर राव जो है सैटेलाइट सेंटर, ये क्या है, URSC बेंगलुरु, ये भी सही मैच्ड है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRSC आ रहा है, एन वर्ड आ रहा है तो एच आना चाहिए, तो यहां पे क्या है, ये तो मिसमैच है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहां से देख सकते हैं। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS है, तो यहां पे क्या है, आई है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, होना चाहिए देहरादून होना चाहिए, तो यहां पे इस हिसाब से क्या है, आई है तो देहरादून, एन है तो हैदराबाद, दोनों ही मिसमैच है। ऑप्शन में चेक करिए कौन कौन सा है ना, कौन सा सुमेलित है बोल रहा है, तो ए और बी सुमेलित है और ये दोनों सुमेलित नहीं है, तो कौन सा आंसर है, ए एंड बी। क्लियर हो गया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालक्रम है, तो देखिए एप्पल, IGMD और स्टेप और साइट। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में देखिए एप्पल जो है जो भारत का पहला क्या है, जो प्रायोगिक उपग्रह था संचार के लिए, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बट प्रायोगिक, याद रखिएगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल, ये किस वर्ष छोड़ा गया था, 1981 में। क्लियर हो गया, उसके बाद IGMDP एक्चुअल में ये डिफेंस रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो मिसाइल डेवलपमेंट के लिए किया गया है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP भी इसे कह सकते हैं, ये वर्ष 1983 में प्रारंभ हुआ था, ठीक। इसके बाद देखते हैं स्टेप और साइट, दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाया गया था, आर्यभट्ट जिस समय छोड़ा गया था 1975 के समय में, वो जो दशक था 1970 से 80 का दशक, वो प्रयोगात्मक था, एक्सपेरिमेंटल दशक था, जिसमें साइट और स्टेप जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए थे। तो साइट का फुल फॉर्म लिखिएगा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि आप देखिए प्रसारण है ना के लिए जो है ये प्रकार का प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया था, और इसके बाद जो है स्टेप छोड़ा गया, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो साइट के बाद आया, तो ये दोनों ही 1975 के बाद ही आए थे, है ना, 1975 के बाद ही आए थे, लेकिन पहले क्या है साइट आया था, उसके बाद स्टेप आया, ठीक है। देखिए इसमें जो क्या है ऑप्शन, देखिए कौन सा सही कालक्रम है, तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, 81, 83, 75 और यहाँ पे 75 का जो दशक है, 70 का जो दशक है, तो पहले डी को रखो यहाँ पे, डी वाला कौन सा है ये, ठीक, डी, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद क्या है ए 1981 और उसके बाद देखते हैं ये बी, तो इसका उत्तर क्या है, बी है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट का प्रोजेक्ट चला, इसके बाद क्या है, हम 80 के दशक के बाद हम रोहिणी और भास्कर, एप्पल, ये सब चीजें जो है छोड़ते गए, और फिर उसके बाद जो है हमने वास्तव में जो रियल में जो सैटेलाइट था, जैसे IRS-1 इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो है वो पहला हमने छोड़ा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप ये देख रहे हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी का उद्भव वर्ष किसे कहा जाता है, 1972, 71, 72 या 73। वर्ष 1972 को बायोटेक्नोलॉजी का उद्भव वर्ष कहा जाता है, और जैसे कि भारत में देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो जितना भी प्रोग्रेस है, तो वो प्रोग्रेस की जो शुरुआती चरण क्या है 1972 से मानी जाती है, तो इसके में सभी चीजें आ जाती है, पूरे फार्मा इंडस्ट्री आ जाता है ना, हेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है, अभी जैसे कोविड वाला पूरा चल रहा है, तो जो वैक्सीनेशन वाला पार्ट है, टीकाकरण का पार्ट है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसका उद्गम वर्ष 1972 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है, लालजी सिंह, एलेक्स जेफ्रेस, है ना, LND मसुका या प्रसाद सिंह चौहान। सबसे पहले इसको फोकस करिए, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग किनको कहा जाता है, एलेक्स जेफ्रेस को कहा जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया जिनको कहा जाता है वो है लालजी सिंह, और इनका संबंध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, ये प्रीवियस ईयर्स में इस क्वेश्चन को मैंने लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और बाकी ये दो ऑप्शंस गलत है,
फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा जाए तो एलेक जेफरीज, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा जाए भारत में इसके जनक कौन है तो लालजी सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एचआईवी वायरस की पुष्टि हेतु परीक्षण किया जाता है एलिसा टेस्ट, CD4 काउंट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सरल प्रश्न, एलिसा टेस्ट से ही आपको पहले चेक किया जाता है कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बेस पे किया जाता है CD4 काउंट, बेसिकली जो प्रतिरोधकता है ना, अभी प्रतिरोधकता का दौर चल रहा है तो CD4 काउंट किया जाता है, प्रतिरोधकता मापा जाता है, ठीक है, इम्यूनिटी मापी जाती है CD4 काउंट से। और इसके बाद देखते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट, ये क्या है, बेसिकली झूठ पकड़ने वाली मशीन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ए एलिसा टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सबसे ये क्या देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू। बहुत न्यूज में रहा था है ना, स्वाइन फ्लू इसका सही उत्तर है, H1N1, ठीक है, जो बेसिकली क्या है स्वाइन फ्लू भी क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाला, श्वास लेने में से रिलेटेड जो है क्या है स्वाइन फ्लू वाला ये जो डिसीज है, ये बेसिकली स्वाइन फ्लू बहुत ही कहना चाहिए खतरनाक था एक दौर में, और जैसे अभी हम कोविड का समय देख रहे हैं वैसे एक समय स्वाइन फ्लू का भी था, हालांकि इतना व्यापक नहीं था लेकिन स्वाइन फ्लू से भी काफी ज्यादा हम संवेदनशील थे, और कहना चाहिए स्वाइन फ्लू की खतरे भी पूरे वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे फैलना प्रारंभ हो गया था। तो इससे रिलेटेड क्या है, वायरस का नाम क्या है, H1N1 है। क्लियर हुआ, तो आज का हमारा जो FTR जो फर्स्ट हमने देखा टेक्नोलॉजी का, हम यही समाप्त करते हैं जिसमें कि आपने स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट हम FTR में मिलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण, जिसमें कि रक्षा प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, और बाकी चीजों से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।